हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक रेसिपी जो है सेवई की रेसिपी। तो ईद बीत चुकी है, मेरे पास समय बचा हुआ था और मुझे कुछ मीठा खाने का बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं एक सेवई को। जब बनाया तो मैंने कहा चलो शेयर भी कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैंने देसी घी का यूज़ किया है, तो हमें घी का यूज़ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करना है। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को है वो अच्छे से कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, तो जो हमारा गैस का फ्लेम होगा वो स्लो होगा और हमारा जो घी वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो जल सकते हैं। इसलिए मैंने धीरे धीरे इन्हें फ्राई करना है, तो हमारे गैस का फ्लेम है जो वो एकदम स्लो है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमें इन्हें लगेंगे रोस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट में इसका कलर भी चेंज करना स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो मैंने इसमें एक बर्तन में इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम सेवई को ले लिया है जो हमें खीर खुरमा के लिए बनाते हैं। हमें यहाँ पर मोटी वाली वही वाली सेवई चाहिए, तो हमें इसे भी रोस्ट करना है। तो मैंने इसे क्रश कर लिया है, जो अगर फ्रेंड्स आप इसे क्रश कर लेंगे तो ये फ्राई करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि ये लंबी लंबी होती है तो जल्दी से ये एडजस्ट नहीं होती है। इसलिए हमें इसी तरीके से इसे क्रश कर लेना है और इसे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक स्लो आँच पर हमें इसे भी फ्राई करना है, ताकि जो घी है वो सेवई में एब्जॉर्ब हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मलाई वाला दूध ले लिया है, जिसे हमें इसमें ऐड करना है, ताकि जो हमारी सेवई हो ये थोड़े से अच्छे से ये गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने सेवई में दूध को ऐड कर दिया है और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन्हें हमें अच्छे से इसी तरीके से चलाते रहना है और हमारा जो गैस का फ्लेम होगा वो स्लो ही होगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी यूज़ किया है, हमें उसे सेवई पर ऐड करना है और इन्हें चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इन्हें और पकने के लिए रख देना है। हमें इन्हें ढककर पकाना होगा ताकि जो हमारी शुगर है वो अच्छे से गल जाए, तो हमें इसे ढककर पकाना है। तो हमें चलाते हुए हम इसे ढक देंगे, ढकने से इनमें भाप बनेगा और जिसकी वजह से हमारा जो शुगर है वो अच्छे से गल जाएगा। तो अब हमें इन्हें ढक देंगे, ढकने के लिए 2-3 मिनट तक इन्हें पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है जिसमें मैंने ऐड किया है फूड कलर, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर है बहुत अच्छा आता है। तो जो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सेवइयाँ हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, अच्छे से मॉइस्चर हो चुकी हैं, तो अब इस कलर को, इस दूध को हम इसमें ऐड करेंगे ताकि और अच्छे से ये मॉइस्चर हो जाए और ये बहुत अच्छे से गल जाए और ये खिली खिली भी रहे। इसलिए अगर आपको दूध नहीं ऐड करना है तो इसमें पानी की छींटे भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये और अच्छे से पक जाती हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो इन्हें हमें इसमें डालने के बाद हमें फिर से इन्हें ढक देना है। तो अब इसमें हमें ऐड करना है इलायची पाउडर को, जो मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश कर दिया है। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सेवइयाँ हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने इलायची पाउडर को। तो मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर लिया है और जो हमने रोस्ट किए हुए थे ड्राई फ्रूट्स को, अब इन्हें भी हमें इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक हम इन्हें और भी पकने देंगे ताकि इसमें से अच्छे से एडजस्ट हो जाए, और ढक के हम इसमें 1 मिनट तक इसे और पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली सी लग रही है। तो बस हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे, और ये गर्म गर्म ही खाने में अच्छी लगती है। तो बस रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।